हेलो व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल लर्न फिजिक्स। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइलैब में हम न्यूटन रैफसन मेथड को यूज करके गिवन इक्वेशन f(x)0 के रूट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। व्यूअर्स, मैंने न्यूटन रैफसन मेथड को एक सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूटन रैफसन मेथड को यूज करने के लिए हम जो इक्वेशन यूज कर रहे हैं वो है x³ - 10x - 2 = 0। तो चलिए फंक्शन डिफाइन करते हैं। फंक्शन a इज इक्वल टू f(x), a इज इक्वल टू x³ - 10x - 2। और अब इसके डेरिवेटिव का भी एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन b इज इक्वल टू g(x), b इज इक्वल टू 3x² - 10। अब हम इनिशियल जो हमारा अप्रोक्सीमेट रूट है उसको यूजर से इनपुट करा लेते हैं। x1 इनपुट एंटर फर्स्ट एप्रोक्सीमेट रूट x1 इक्वल टू, और अब हम एक पैरामीटर डिफाइन करते हैं e = 1। एक्यूरेसी डिफाइन करते हैं, अभी के लिए हम 0.01 ले लेते हैं, और हमारी नंबर ऑफ इटरेशंस कितनी होंगी इसके लिए एक पैरामीटर हम ले लेते हैं i = 0, जिसको हम लूप के अंदर इंक्रीमेंट देंगे। अब शुरू करते हैं अपना व्हाइल लूप, while e greater than accuracy, और अब हम लिखते हैं x2 हमारा न्यू रूट होगा, x2 = x1 - f(x1) / g(x1). यहां पर हम e को कैलकुलेट कर लेते हैं, absolute difference of x1 - x2, और यहां पर i को इंक्रीमेंट दे देते हैं, i = i+1, और अब हम रिप्लेस करते हैं x1 को x2 से, और लूप के बाहर हम अपना जो हमारे नंबर ऑफ इटरेशंस हैं और जो हमारा रूट है उसको हम डिस्प्ले करते हैं। डिस्प्ले नंबर ऑफ इटरेशंस स्ट्रिंग i, इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं और यहां पर हम इसको रूट के लिए यूज करते हैं। रूट ऑफ equation is equal to x2। तो व्यूअर, अब इस कोड को हम रन करते हैं। एंटर फर्स्ट एप्रोक्सीमेट रूट x1, हम इसमें ले लेते हैं 2.0, और देखिए 7 इटरेशंस में हमें हमारी एक्यूरेसी 0.01 के लिए एक रूट मिला है 3.257898। अब इस प्रोग्राम को हम दोबारा से रन करते हैं। 3.0, देखिए ये फास्टर प्रोग्राम है, फास्टर मेथड है, जो हमें रूट की वैल्यू कम इटरेशंस के लिए भी दे रहा है। अब अगर मैं इसकी एक्यूरेसी को बढ़ा देता हूँ, यानी डेसिमल के 4 प्लेसेस तक लेते हैं, तो 2.0 हमने अप्रोक्सीमेट रूट की वैल्यू ली। अब देखिए 8 इटरेशंस में हमें ये 3.257897 दे रहा है, और अगर हम अप्रोक्सीमेट रूट 3 ले लें तो क्या करेगा, देखिए 3.0। अब देखिए पहले की जगह इसने कितनी कम इटरेशंस में हमें ये रूट की वैल्यू दे दी है। सो व्यूअर्स, इस तरीके से हम साइलैब में न्यूटन रैफसन मेथड को इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपने रूट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना होगा कि हमारा जो डेरिवेटिव है वो
किसी भी x की वैल्यू के लिए जीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो डाइवर्ज करेगा। व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल लर्न फिजिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।